खत्म करना है तो कम से कम मेरे 20 साइनो एंटो मेरे खत्म हो जाने चाहिए, इतना वर्ड तो मेरे पास फिक्स होना चाहिए। वो कैब में आप डिसाइड कर लो, 20 साइनो हो गया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पढ़ना शुरू करो, फिर 20 वन वर्ड हो गया और 20 ईडियम्स हो गए, फिर उसके बाद इसी तरीके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, आपने यहाँ तरीका अपना लिया। उसके बाद आप यहाँ पर ये डिसाइड करो कि ग्रामर कम से कम डेली मुझे 1 घंटा करना ही करना है। ये बहुत ज़रूरी यार ग्रामर का करना, ये 1 घंटे अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखो चैप्टर वाइज तो अगर हर कोई लगा पाता है, नाउन का क्वेश्चन, नाउन का शीट अगर हम आपको दे दें तुरंत पकड़ लोगे, सर नाउन में यहाँ पर ये एरर है, कंपाउंड नाउन का एरर है, कमांडर इन चीफ्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, मदर्स इन लॉ नहीं होना चाहिए, मदर्स इन लॉ अलग अलग करके पोजेशन है, क्या है, कैसे है, कहाँ अपोस्ट्रॉफी आएगा, कहाँ नहीं आएगा, ठीक है, पेयर ऑफ सीजर होगा, पेयर ऑफ सीजर्स होगा, पेयर्स ऑफ सीजर होगा, क्या होगा, वो सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दिक्कत तब आता है जब स्टेटमेंट दे दिया जाता है और मिक्स एरर में पता नहीं चल पाता ये ससुरा नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, आर्टिकल का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है कि क्या है। वो तब क्लियर होता है जब आप ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करिए ग्रामर की, बहुत अच्छे से बात है, आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं सब टीचर से पढ़िए, सब अच्छा पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं वो हमें अच्छा लगता है। जैसे ब्रांड की अगर बात करूँ तो कॉप भी कपड़ा बनाता है, कैल्विन क्लाइन भी कपड़ा बनाता है, और भी मार्केट में 100 ब्रांड हैं, दुनिया सबके कपड़े खरीदती है, जिसको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है वो उसका पहनता है, इसका मतलब ये थोड़ी कोई ख़राब है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको एक जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ग्रामर मैं पढ़ तो रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस मुझे करना है। मार्केट जो किताब अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस किया करो। जैसे अगर ग्रामर की प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ तो एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके ये किताब है, आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी शब्द यहाँ पर नहीं दे रखा और बहुत यहाँ पर कम शब्द भी नहीं दे रखे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर में ग्रामर के अच्छे सवाल दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस, जो क्लैरिटी के लिए इनफ है। अब इसमें भी दिक्कत क्या आती है, मैं अभी किताबों के नाम एक दो नोट करवाना शुरू करूंगा, लिखना शुरू करोगे, कल दुकान पे पहुंच जाओगे खरीदने, खरीदोगे पहला पन्ना पढ़ोगे, दूसरा पन्ना पढ़ोगे, पहला महीना पढ़ोगे, उसके बाद किताब एज इट इज़ जस के तस रखी होती है टेबल पर, सर कुछ नया बताओ, ये तो है ही है। जैसे मैंने बच्चों को कहा कि इंग्लिश के लिए आपको सेक्शनल क्विज देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब आपने यहाँ वोकैब कंप्लीट लिया, जब आपने ग्रामर कंप्लीट कर लिया, तो इनकी रिवीजन कैसे होती रहेगी, तो क्विज देना है, और क्विज कहाँ देना है, तो एसएससी इंग्लिश क्विज करके एक एप्लीकेशन आता है, आप वहाँ से दे सकते हो। एक बार मैंने यूट्यूब पर बताया, कुछ नालायक बच्चे तो ऐसे हैं जिनको क्या ही बोलो, पता नहीं ब्रह्मांड के कौन से ग्रह में जी रहे होते हैं, ठीक है, और पहुँच जाते हैं, आपका अपना एप्लीकेशन है प्रमोट कर रहे हो, अरे भाई दूर दूर तक इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, जब तैयारी कर रहे थे ना उसके पहले का एप्लीकेशन है, तो मेरा कौन सा फूफा का एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये कि मेरे को कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है, बात तुम्हारे फले की बताओ तो पहले तुम लिखना शुरू कर दोगे। दूसरा, उच्च लेवल के जो दूसरे प्राणी होंगे तुरंत नाम लेके अभी नोट करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, लेकिन जीवन में कभी जो है इसका दर्शन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सेट लगा लेंगे, हाँ ठीक है बढ़िया है, अब मेहनत ही नहीं करोगे, सपने देखोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का तो भूल जाओ भाई। दूसरों के कहानी पर ताली बजा सकते हो, लेकिन कभी ऐसा वक्त लेकर नहीं आ सकते कि लोग आपके लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो वक्त लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन है जाके लगाने पड़ेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर इस किताब से पढ़ना पड़ेगा, अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, जो कि होगा नहीं, अब होगा नहीं तो बेकार ही हो जाएगा ना आपके लिए, तो इस स्ट्रेटजी क्या फायदा होगा बताओ, ठीक है। तो मेहनत तो भाई मेरे इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, तो ग्रामर में कुछ ऐसा रखो कि डेली 1 घंटा आप इसको दे पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, ज़्यादा जरूरत पड़े तो यहाँ पर जो है क्विज किस तरीके से आप नैना जी दिल्ली से आई आप कर पाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में तो शुरू में तो बच्चा इसको भूल ही जाता है, अरे कौन कॉम्प्रिहेंशन होगा कहीं कोई पे, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है तो कहानी पैसेज, भाई ऐसा नहीं है, 3 पार्ट उसके होते हैं अंदर अंदर, ठीक है। पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट होता है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो 12 जंबल्ड होता है, तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका पैसेज होता है, तीनों बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये तीनों जो है आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से सुधर सकते हैं, आपके किताबों के पढ़ने से सुधर सकते हैं, और आपके जो टीचर पढ़ाते हैं उससे सुधर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने लिए फ़िक्स कर लिया था और मैंने 11 रूल याद कर लिए थे कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने के 11 फ़ायदे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, एनआर करते हैं, अगर आप ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊँगा कैसे होता है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने का सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना वो डेवलप होता है।
कहानी जो है वो समझ में आती है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन आप किसी बड़े पोस्ट पर नियुक्त हो जाते हैं और आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, सामने न्यूज़पेपर रखा हुआ है, पढ़ना नहीं आ रहा है और दूसरा वाला पढ़ रहा है, आपको इतना बेइज्जत महसूस होगा ना जिसकी कोई बात नहीं है। आप फ्लाइट में ट्रैवल तो कर रहे हैं, बिजनेस क्लास छोड़िए इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, दो लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं और दो फॉरेनर ही बैठे हैं, आप बैठ के हैं कर रहे हैं, यस सर, हाँ जी, यस जी, या करते जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता चल रहा वो गरिया रहा है आपको की तारीफ़ कर रहा है, या किए जा रहे हैं। ठीक है, और पता चले पोस्ट कौन सी है भैया तो एक्साइज इंस्पेक्टर करके हैं किए जा रहे हैं। बस एक आपको वहाँ की एयर होस्टेस है ना आपको ज़्यादा बेइज्जत कर देगी इतना समझ लीजिए, क्योंकि उसकी इंग्लिश भी आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगी। अब फिर यहाँ पर डिबेट करने चले आओगे, ऐसे कैसे हिंदी हमारा जो है वो मीडियम है, मातृभाषा हिंदी है, सबको हिंदी बोलनी चाहिए। अगर हिंदी है तो जाके देखो थोड़ा डिपार्टमेंट में कि जितने भी लेटर आते हैं ना, आपका कॉल लेटर भी आता है, कुछ भी आता है, कोई भी नोटिस आता है तो इंग्लिश में आता है, इसीलिए इंग्लिश को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि पढ़िए, क्यों, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। भारत में डिबेट कर लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ डिबेट बहुत अच्छा लगता है, धर्म के ऊपर, ठीक है, डिबेट यहाँ पर लगता है, भगवा रंग के ऊपर डिबेट बहुत अच्छा लगता है, अदर चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम मेहनत कम करना चाहते हैं, भाषण ज़्यादा देना जानते हैं। आप जाओ ना अमेरिका में जाके डिबेट करो, क्यों ये मुझे लेटर दिया गया है इंग्लिश में, मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में हमें दीजिए। आपकी जर्मनी में पोस्टिंग होगी, आप बोल लीजिए वहाँ पर जाके, हिम्मत है अगर तो, कि हमें हिंदी में ये टाइप करके दीजिए, फिर हम आपकी हिम्मत मान जाएंगे। अपने घर में आप शेर हैं, बाहर में आप एकदम दुबक के रहेंगे। अब या तो अनपढ़ जाहिलों की तरह जाके वहाँ बिहेव करिए जैसे बैठ के, कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एमईए में लग तो गए हैं आप, वहाँ पर एसओ तो है भी, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़